कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। आज एक नई और जबरदस्त सी और मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके मैं आ गई हूं आपके पास। वीडियो ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमने काफी देर पहले न्यूज शेयर की थी कि अदनान के अम्मी अबू का वीजा लग गया है, तो बेसिकली आज वो दिन आ गया है जिस दिन वो हमारे पास आ रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह खैरियत से वो पहुंच जाएंगे हमारे पास और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके इस्तकबाल की क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से हम उनको वेलकम करेंगे। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपको पता चल सके कि अम्मी अबू आ रहे हैं तो हम कैसे उनका इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि आपने इतने सारे मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस कर करके पूछा कि आप ही बताएं आपके सास ससुर कब आ रहे हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आज वो दिन है जिस दिन मेरे सास ससुर आ रहे हैं। तो चलिए फिर तैयारियां शुरू करते हैं। खाना भी पकाना है और बाकी भी सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि यहाँ पे काम तो सारे खुद ही करने होते हैं। तो घर भी साफ करना है, खाना भी पकाना है, उनका रूम भी रेडी करना है। सारी तैयारियां ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे उनके आने की और तैयारी करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हैं अदनान साहब। तो अदनान के चेहरे की खुशी बता रही है, इनके रिव्यूज लेते हैं। हाँ जी अदनान जी, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब सुपर कैसे हैं? तो बहुत दिनों बाद आप लोगों ने डेली मैसेज आते थे कब आ रहे हैं अम्मी अबू, कब अम्मी अबू आ रहे हैं। इंशाल्लाह बस अब मैं उनको लेने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगे, तकरीबन कपल ऑफ आवर्स में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इंतजार घड़ियां खत्म हुई है, तो बस दुआ में याद रखिएगा सब। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरे और सबको अल्लाह ताला जिनके भी माँ बाप सबको इनको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। तो चलो फिर अब, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे नहीं जा रही हूँ, वो इसलिए कि मुझे घर में खाना बनाना है और बच्चे भी स्कूल हैं, उनको लेके भी आना है। तो अदनान एयरपोर्ट की वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। मैं वीडियो से एयरपोर्ट में बनाऊंगा इंशाल्लाह जब वो आएंगे। ठीक हो गया, चले फिर अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और खैरियत से जाएं एयरपोर्ट पर इंशाल्लाह। देखिए जी, दुआ को अब हमने स्कूल से ले लिया, स्कूल में आई थी और दुआ को अब हमने स्कूल से ले लिया। इब्राहिम का आज है आफ्टर स्कूल क्लब, तो इब्राहिम लेटर ऑन आएगा, ठीक है ना दुआ। मैं और दुआ अब जाएंगे शॉप पे, क्योंकि हमने थोड़ी सी चीजें लेनी है, लास्ट मिनट वाली चीजें, ठीक है दुआ चले फिर जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन्यू, के मैंने मेन्यू का डिसाइड किया। तो ये देखे जी, गर्मा गर्म चावल, और अभी मुझे अदनान का फोन आया कि फ्लाइट लैंड कर चुकी है। और ये इधर रेडी हो रही है हलीम, कोरमा भी तैयार हो चुका हुआ है। ये हैं हलीम के लवाजमात, और इसके अलावा मैंने सीख कबाब बनाए हैं और दही बल्ले बनाए हैं और आइसक्रीम है मीठे में, नान होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उनको खिलाएंगे और आई होप कि उनको ये अच्छा लगेगा। क्योंकि ये देखें, इब्राहिम और दुआ स्कूल से आके नहा धो के रेडी हो गए हैं। दुआ ने मेरे जैसे कपड़े पहने, आज मैं और दुआ ट्विंस ही बन गए हैं। सो इब्राहिम, दुआ अम्मी अबू आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? सो हैप्पी। आर यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम? यस। तो फिर क्या करोगे जब अम्मी अबू आएंगे? तो दुआ क्या करोगी? यू हैव सो मच फन। यस, दुआ ने तो फिरने के सारे प्लान बनाए हुए, क्योंकि बस अभी 4-5 वीक्स में इनकी छुट्टियां भी शुरू हो जानी है। और इब्राहिम ने क्या करना है? फन, अम्मी अबू के साथ फन करेगा इब्राहिम? यस, बहुत मजा आने वाला है। इब्राहिम और दुआ रियली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना अम्मी अबू? बस थोड़ी देर में अब पहुँचने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बस अब जा रहा हूँ मैं अम्मी अबू को लेने के लिए एयरपोर्ट पर मैनचेस्टर। तो इंशाल्लाह ये देखिए जी, कितना जबरदस्त मौसम है इधर, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको फिर एयरपोर्ट पर। ये इंशाल्लाह ये देखे पहुंच गए अब भी अम्मी, बस हम थोड़ा लेट हो गए लेकिन जल्दी ही पहुंच गए थे, तो बस अब घर की तरफ निकल रहे हैं। माशाल्लाह हम घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखे ले जी, मेरी अदनान से बात हुई है अभी, तो वो लोग 10 मिनट दूर हैं।
तो बस दुआ इधर बाहर खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो बहुत बोर हो रही है और उससे वेट ही नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको कहा कि चलो आप बाहर खेलो, मैं आपको देखती हूँ, साथ साथ मैं खाना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमें भूख लगी हुई है। तो बस उनका वेट कर रहे हैं हम, और बस इंशाल्लाह 10 मिनट्स में हमारे पास होंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ओ भाई, अम्मी अबू आ गए, और दुआ दुआ गो अबू से मिलो, अम्मी से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे ठीक ठाक, अभी पसीना आया हुआ नहीं, गर्मी है, तबीयत गर्मी तो नहीं, गर्मी नहीं लेकिन सफर में थक गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सफर काफी है, सफर बहुत लंबा है। हाँ जी, बहुत थकावट हुई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? आ जाए अंदर, आ जाए लो जी, खाना रेडी है। और ये देखें जी, सारा खाना सर्व हो चुका है, अम्मी रेडी है, अबू भी रेडी है। अम्मी अबू थक गए हैं, थक गए, चले आ जाए। अदनान आप भी आ जाओ, चलो भाई दुआ आप भी आ जाओ, सारे मिलके खाना खाते हैं। चलो जी खाना खा रहे हैं अम्मी अबू। इब्राहिम दुआ ने खा लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, ये देखे सैमा अबू सामान लाए थे कुछ खाने पीने का, तो उनको फटाफट हम खोल के पहले अनबॉक्सिंग कर दें, चीजें खराब ना हो जाए। खुशबू ऐसी जबरदस्त, माशाल्लाह। ये देखो जी, ये बड़ी रिक्वेस्टेड कर ले, मैं माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ जी, तो थोड़े से बेचारे मुरझा आ गए हैं गर्मी से, लेकिन बड़े माशाल्लाह जबरदस्त। मैं कहूँ की आप बहुत करेले पकाएंगे। ये है मैंगो, मैंगो थोड़े से ना स्क्वीश हो गया, देखा? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। और ये चूसने वाले ना, ये दूसरे हैं, ये थोड़े से इनका जूस निकले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक होंगे। इब्राहिम इसको ऐसे ही पकड़ो, इब्राहिम हाँ इसको रख के आओ, इसको रख दो अंदर, ये कैसे फोटो ले लो, लिखो। और ये देखिए वो चूसने वाले महराम थे, और ये हैं जी, ये है मिल्क शेक वाले बड़े माशाल्लाह जबरदस्त, क्या खुशबू आ रही है ना, जबरदस्त। इसको भी ऐसे ही निकालते हैं, जबरदस्त। मैं थोड़े से कच्चे ले दिए थे। हां जबरदस्त है, ये बिल्कुल सही है, खराब नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, डब्बे भी है। हां जी, ये डब्बे में डब्बे से, ये घोंसले में, माशाल्लाह। ये देखो 4.5 किलो। अच्छा जबरदस्त, ये भी बाहर ही रखो, 2 किलो कोई मसला नहीं है सारा। ये क्या है? और ये एक है कंबल आपका ना, अच्छा ठीक है। और ये देखे ये क्या है जी, ये मेरा ख्याल है, खोल के थोड़ा दिखाओ क्या चीज है ये जी। ये भी पटारा खुलने लगा है, ये है अचार, ये है लहसुन का, लहसुन का अचार जो मैं ऑर्डर किया था, ऑर्डर किया था आपा खाला से बनवाया। लो जी अम्मी अब्बू के साथ हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, खाना शाना खा लिया। दुआ इबू जी, कैसा फील कर रहे हो? हैप्पी हो? अभी तो बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, वो भी खोलने हैं। अभी हमने खाने पीने वाली चीजें निकाली हैं, और ये खलीफा की हम नान खताई खा रहे हैं, साथ साथ चाय पी रहे हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को करते हैं खत्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद अब आपने हमारी कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, बहुत मजा आएगा, आपको दिखाएंगे अम्मी अब्बू के साथ कैसे फन करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।